करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मजेदार सी सीरी पाए बनाने का तरीका बताऊंगी, मगर इससे पहले आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए आज देखते हैं कि मजेदार से सीरी पाए किस तरह बनाते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने एक प्लेट में सीरी ली हुई और एक में पाए। ये दोनों जो सीरी पाए हैं वो छोटे गोश्त यानी कि बकरे के हैं। आप चाहें तो बड़ी सीरी पाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके जौक और शौक की बात है, लेकिन मैंने छोटे बकरे के लिए। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये मैंने तकरीबन 6 या 7 के करीब हमारे पास बकरे के पाए हैं और इसके साथ हमने सीरी ली है जो कि एक प्लेट में आपको नजर आ रही है। इसके अलावा मैंने प्याज लिए हैं 5 से 6 अदर, जिसको मैंने दरमियाने साइज लच्छेदार ये कट कर लिया, ये देखिए। इसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, साबुत आप कट करके भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच हम पीसा हुआ सूखा धनिया लेंगे, 1 खाने का चम्मच हम गरम मसाला साबुत वाला लेंगे, 2 खाने के चम्मच हम नमक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो नमक है वह हस्बे जायका है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। 3 से 4 खाने के चम्मच हम सुर्ख मिर्च ले रहे हैं, ये भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमने 1 खाने का चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करना है। चलिए आप देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले मैं कुकर लूंगी। ये सबसे पहले आप देख लें कि मैंने जो प्रेशर कुकर है वो आधे से ज्यादा भर लिया, तकरीबन ये हाफ प्रेशर कुकर है जिसको मैंने पानी से भर लिया। अब मैं इसके अंदर जो है ये सारे पाए ऐड करूंगी। ये मैंने पानी डालने के बाद इसके अंदर पाए ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ये सीरी ऐड करेंगे, इसके बाद ये कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला और आखिर में हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। अब हम इसको वेट लगाएंगे। अब मैं इसको बंद करके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको वेट लगाऊंगी। चलिए अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। ये देखें जी, इसको अब हमने पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद हम खोलकर चेक करेंगे कि पाए गले हैं या नहीं। पावे गल चुके हैं, अब इसका पानी खुशक करते हैं। पावे क्योंकि गल चुके हैं, अब पानी खुशक होने के बाद हम इसमें ऑयल डालकर इसको भूनेंगे खूब अच्छी तरह। पानी खुशक हो चुका है, अब मैं इसे खुले बर्तन में डालने लगी हूं भूनने के लिए ताकि अच्छी तरह भून जाए। डेढ़ कप मैंने ऑयल का इसमें डाला है क्योंकि पावे ने भी काफी रोगन छोड़ा है। अब मैं इसको भूनती जाऊंगी। ये देखें, अब मैंने इस तरह एक हरी मिर्च लेकर उसको एक लंबा कट लगाया और उसके एक बार आप फिर एक और कट लगा लें। इस तरह से आपने सारी मिर्चों को जो है वो सेंटर से कट करते जाना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे जो मिर्चों का जायका है वो बरकरार रहेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका सालन में। इस तरह फली की तरह ये चार, ये देखिए इस तरह इसको। अब इसी तरह आपने सारी मिर्चें काट लेनी है और अब मैं इसको खंडिया में डालूंगी।
अब हम इसको सालन में ऐड करेंगे और इसको साथ साथ भूनते जाएंगे जब तक ये अच्छे से भूनना छोड़ दे। जब ये भूनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा, घी छोड़ देगा, तो हम इसमें हसबे जरूरत पानी शामिल करके शोरबा तैयार कर लेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। ये अच्छी तरह भून चुका है, अब इसने घी छोड़ दिया है, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगी हूँ, डाल दिया पानी। अब मैं इसमें पानी डाल दिया, 4 गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे उतार लूंगी और डिश आउट करूंगी। अब मैंने इसे डाल दिया। ये देखिए शोरबा तैयार हो गया, तो डिश आउट करूं। ये देखे व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। हमारे बकरे के सिरी पाए जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।